नमस्कार मित्रों, पोरबंदर प्लांट डायरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा आज का वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ कि हमारा थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी एकदम तेज़ धूप है और आज तो इंस्पेक्टर भी अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो पूरा कोई नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो ब्रिंजल प्लांट का अपडेट के ऊपर है। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि हमने जो ब्रिंजल के प्लांट में थोड़े कीट लग गए थे, पेस्ट, तो उसकी वजह से हमने उसको पूरा निकाल दिया था। अरे गया हमारा इंस्पेक्टर साहब, भाग गए धूप है तो उसकी वजह से वो चले गए। हाँ, तो हमारा जो ब्रिंजल हमने उसको टोटली रिमूव कर दिया था। तो अभी देख सकते हैं कि आप कुछ ही दिनों में ये ब्रिंजल का प्लांट है जो वापस से ग्रो होना चालू कर दिया है इसने। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी वापस से इसने बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है और इसके वापस से फ्रेश लीव्स भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़े वाले। जैसे आप मेरे देख सकते हो, मेरे हाथ की साइज़ के बराबर के लीव्स ग्रो हो गए हैं और कुछ जो है वापस से कलियां भी आना चालू हो गई है। ये देखिए, मोस्टली इसके अंदर एट ए टाइम दो ही ब्रिंजल्स आते हैं। तो आई होप कि इस बार ज़्यादा ब्रिंजल आएंगे और इस बार हम स्टार्टिंग से ही पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी तो प्लांट जो है वो पूरा हेल्दी दिख रहा है, इसके अंदर कुछ कीटक दिख तो नहीं रहे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपरली प्लांट हेल्दी है, तो कोई भी कीटक इसके ऊपर फिर से अटैक करे उससे पहले ही हम इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे करना चालू कर देंगे। इसके और साथ साथ में हमारे जो टोमेटो के छोटे छोटे वाले प्लांट्स है उसके ऊपर भी हम कर देंगे ताकि मिलीबग्स उनके ऊपर भी अटैक ना करें। तो ये हमारा जो प्लांट है मोस्टली आई थिंक मोर देन 1 ईयर ओल्ड अभी हो गया है। ये हमने अमेजोन से कुछ सीड मंगवाए थे ना, उसी के थ्रू ग्रो किया है। तो ब्रिंजल एक ऐसा प्लांट आता है जो मोस्टली 3-4 साल तक चलता है और आपको फ्रूटिंग कंटिन्यूसली देता रहता है। अगर इसको सही से देखभाल करें तो ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो ये जो हमारा प्लांट है एक हमने बड़े से कंटेनर में इसको लगाया हुआ है और इसके साथ ही एक लेमन का प्लांट भी ग्रो हो गया है। तो लेमन का प्लांट इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने लेमन को थोड़ा यहाँ से कट कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी दो ब्रांचेस हमने कट कर दी है जिसकी वजह से ब्रिंजल का प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। तो देखते अभी जैसे कि इसके अंदर कलियाँ आ गई है तो मेरे ख्याल से अभी फ्रूटिंग भी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है मैं आपको दोबारा अपडेट देता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।